बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं अली रज़ा राज। आज हम पढ़ेंगे ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल नंबर 2। ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। आरजू का मतलब है ख्वाहिश, तमन्ना करना किसी चीज़ की। रूबरू आमने सामने, बेताब बेकरार, गुफ्तगू बातचीत। हम इसके मफहूम की तरफ चलते हैं। ऐ मेरे महबूब, मेरी ये आरजू थी कि मैं तुझे फूल के आमने सामने करता और मैं और बुलबुल बेकरार होकर फिर बातें करते। स्टूडेंट्स, अब हम इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। बच्चों, हमें पता है कि जैसे कि हमने पहले अपनी गज़ल में मैं आपको बता चुका हूँ कि ख्वाजा हैदर अली आतिश दबस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शायर थे, और दबस्तान लखनऊ के नुमाइंदे शोरा में ये बात बहुत ही अहम और रवायती मौजू समझा जाता था, अपने महबूब की तारीफ करना। इसी तरह इस शेर के अंदर में भी ख्वाजा हैदर अली आतिश ने अपने महबूब की तारीफ की है, मगर वो तारीफ करने का अंदाज दूसरे शोरा से मुख्तलिफ है। वो अपने महबूब की तारीफ अपने महबूब का मुआजना बुलबुल के महबूब के साथ करना चाह रहा है। शायर इसके अंदर अपने महबूब से मुखातिब होकर ये कह रहे हैं कि ऐ मेरे महबूब, मेरी ये ख्वाहिश थी, मेरी ये तमन्ना थी कि मैं तुझे फूल के बुलबुल के महबूब, जो उसका महबूब है फूल, उसके रूबरू करता और आखिरकार में ये बात साबित कर देता कि मेरा महबूब बुलबुल के महबूब से ज़्यादा हसीन है, उससे ज़्यादा खूबसूरत है। खूब जो हैदर अली आतिश हैं, हैदर अली आतिश एक इनका अंदाज तारीफ करने का निराला है दूसरे शोरा से, जैसे कि दूसरे शोरा ने अपनी शायरी के अंदर अपने महबूब की तारीफ करने के लिए उसे फूल से तशबीह दी है, मगर हैदर अली आतिश ने इसे अपने महबूब को फूल से तशबीह देने के बजाय अपने महबूब को फूल से ज़्यादा खूबसूरत करार दिया है कि भाई मेरा महबूब बुलबुल के महबूब से ज़्यादा हसीन और जमील है। इसके हवाले की तरफ अगर हम जाएँ, अगर इसके हवाले देखें तो इसके अंदर पहला शेर आएगा, वो आए बदम में इतना बर्क ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। शेर नंबर 2, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चिराग। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने शेर नंबर गजल के शेर नंबर 2 की तरफ आएंगे। पयाम्बर ना मयसर हुआ तो खूब हुआ, जबाने गैर से क्या शरह आरजू करते। पयाम्बर पैगाम ले जाने वाला, खूब हुआ अच्छा हुआ, शरह आरजू, शरह किसी चीज़ की वजाहत करने को कहते हैं, आरजू तमन्ना करना। ऐ मेरे महबूब, मुझे कोई पैगाम ले जाने वाला नहीं मिला, तो ये अच्छा ही हुआ कि मुझे कोई ऐसा पैगाम ले जाने वाला नहीं मिला। ज़बान गैर से अपने दिल की कैफियत का इजहार किस तरह से मैं कर पाता। इसकी हम तशरीह की तरफ आएंगे। स्टूडेंट्स, शायर अपने महबूब की कोई अपने दिल का हाल बयान करने के लिए किसी पैगाम रसा की तलाश में था। वो इस चीज़ के ऊपर बहुत नाउम्मीद और दुख का इजहार उसने पहले तो किया कि भाई मुझे कोई भी पैगाम ले जाने वाला, मेरे दिल की बात कहने वाला मुझे ऐसा कोई शख्स नहीं मिला, मगर इसके साथ ही दूसरी तरफ वो इस बात के ऊपर खुश भी नज़र आ रहा है कि भाई ये बहुत अच्छा हुआ कि मुझे कोई भी पैगाम ले जाने वाला मैसर नहीं आया। अगर मैं पैगाम ले जाने वाला मुझे मैसर आ जाता तो मेरी बात मेरे महबूब तक उस अंदाज में, उस कैफियत के साथ नहीं जाती जिस कैफियत का इजहार मैं खुद जाकर अपनी बात करता, तो वो एहसास, वो कैफियत मेरी बात के अंदर नुमायां तौर पर नज़र आती। इसलिए वो इस चीज़ के ऊपर बहुत खुश है कि बहुत अच्छा हुआ कि मुझे वो पैगाम ले जाने वाला मैसर नहीं आया, क्योंकि दिल की बात तो अहले दिल ही के ज़रिए से अच्छे अंदाज से और एक एहसास की कैफियत से पहुंचाई जा सकती है। बच्चों, इसके हम हवाला जात की तरफ आएँ
तो हवाला जात में पहला शेर आएगा, चांद है कहकशां हैं तारे हैं कोई शह नामा बर नहीं होती। शेर नंबर दो, सैफ अंदाजे बयां रंग बदल देता है वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। बच्चों अब हम शेर नंबर तीन की तशरीह करेंगे। मेरी तरह से माहो महर भी हैं आवारा, किसी हबीब की ये भी हैं जस्तजू करते। माह कहते हैं चांद को, महर सूरज, और हबीब का मतलब है दोस्त। जस्तजू कहते हैं तलाश करने को। बच्चों इस शेर के अंदर इसका मफहूम हम देखते हैं। सूरज और चांद भी मेरी तरह मुझे आवारा से लगते हैं, मुझे लगता है कि ये भी किसी महबूब की तलाश में हैं। बच्चों इस शेर की हम तशरीह की तरफ आते हैं। शेर इस शेर के अंदर बता अपने महबूब की अपनी आवारगी को सूरज और चांद की गर्दिश से जोड़ा है। ये तो बात आम में हमें पता है कि सूरज और चांद की गर्दिश ये अल्लाह ताला के एक मुकर्रर करदा निज़ाम है। ये कवानीन की पाबंदी कर रहे हैं, एक कवानीन के तहत अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ये कायनात का निज़ाम चल रहा है। मगर कहा जाता है कि जो इंसान जिस तरह का हो उसे उस तरह की चीज़ें भी दिखाई देती हैं, वैसी ही चीज़ें लगती हैं। इसी तरह वो इधर हैदर ख्वाजा हैदर अली आतिश चांद और सूरज के चलने फिरने को आवारगी करार दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से मैं आवारा घूम रहा हूँ, आवारा किसी अपने महबूब की तलाश में मैं निकला हुआ हूँ, कोना कोना देख रहा हूँ कि मुझे मेरा महबूब मिल जाए, इसी तरह से बिल्कुल चांद और सूरज भी अब किसी महबूब की तलाश अपने महबूब की तलाश में है कि हमें हमारा महबूब मिल जाए, हमारा ये सफ़र ख़त्म हो जाए। मगर ये नामालूम सफ़र ख़त्म नहीं होने वाला क्योंकि उन्हें उनका महबूब नहीं मिल सकता। इसी तरह शेर कह रहा है कि भाई मैं भी जिस तरह से मैं आवारा घूम रहा हूँ, ये चांद और सूरज भी किसी महबूब अपने महबूब की तलाश में आवारा इधर उधर घूम रहे हैं। रोज़ ये अपनी अपने महबूब की तलाश में निकलते हैं। बच्चे इसके अगर हम हवाले जात की तरफ आएँ तो हवाले में इसके दो अशआर आएंगे। पहला शेर आएगा, अकेला मैं ही नहीं हूँ असीरे जुल्मते गम, बुझा बुझा है अंधेरों में चांद भी तन्हा। शेर नंबर दो, फिरते हैं दर बदर किस सफ़र में, तारे भी हैं मेरी राह गुजर में। बच्चों हम अब आएंगे शेर नंबर चार की तरफ। ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल नंबर दो का शेर नंबर चार, हमेशा मैंने गिरेबां को चाक चाक किया, तमाम उम्र रफू कर रहे रफू करते। चाक चाक करना फाड़ देना, रफू कर पैवन करने वाले, मतलब मराद इधर हमदर्द, रफू मरम्मत करना। मैं अपने गिरेबां को फाड़ता रहा हमेशा, और रफू करने वाले मतलब मरम्मत करने वाले मेरे हमदर्द इसे रफू करते रहे, मतलब इसे मरम्मत करते रहे। बच्चों अब इस शेर की हम तशरीह की तरफ आते हैं। ये भी एक रवायती मौजू है कि भाई जब शायर अपनी दीवानगी के अंदर होता है, अपने जुनून के अंदर होता है, तो वो अपने गिरेबान को चाक चाक करता है, मतलब फाड़ देता है। तो इसी कैफियत का इजहार हैदर अली आतिश ने अपने शेर में किया है। वो कह रहे हैं कि मैं अपने महबूब की याद में, जब मेरे महबूब की याद मुझे सताती है, तो उस वक़्त मैं मुकम्मल तौर पर अपने आपे से बाहर हो जाता हूँ। मेरे ऊपर ऐसी शिद्दत ऐसा रकत तारी हो जाता है कि मुझे मालूम नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। इंसान की आम तौर पर अगर सूरत देखा जाए तो इंसान की दो कैफियत होती हैं। एक कैफियत जिसके अंदर अक्लो खिर्द, मतलब उससे कोई समझ होती है, समझ बूझ होती है कि वो क्या कर रहा है, उसने क्या करना है, ठीक है। और दूसरी इसकी जो कैफियत होती है वो है दीवानगी की कैफियत, जिसके अंदर उसे कुछ मालूम नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, किस किस्म का काम कर रहा है, मतलब कि उससे बिल्कुल भी इस चीज़ से वो
मुतनफ़र होता है उससे बिल्कुल मालूमात नहीं होती कि ये वो काम अच्छा कर रहा है या कोई काम बुरा कर रहा है। अब देखिए वो कह रहा है कि भाई हमेशा मैंने गिरेबान को चाक चाक, मैंने अपने गिरेबान को हमेशा अपनी दीवानगी में फाड़ा कि मतलब मैं अपने काम में मसरूफ़ होता था और अचानक मेरे ऊपर मेरे महबूब की याद की रकत तारी होती और मैं उसके लिए दीवाना वार घूमता अपने गिरेबान और इसी असना में अपने गिरेबान को फाड़ देता। और दूसरे ही मिसरे में वो कह रहा है तमाम उम्र रफू कर रहे रफू करते मतलब रफू कर मतलब मेरे हमदर्द जो मेरे साथ देने वाले जो चाहते हैं कि मेरी ये हालत ना हो जो मुझे एक अच्छा अच्छा बनाने की तरफ ले लाने की कोशिश करते हैं मगर कुछ देर के लिए तो मैं ठीक हो जाता हूँ मगर फिर मेरी वही कैफियत वही इजहार आप मेरे अंदर मेरे ऊपर वही रकत तारी हो जाता है। और इस हवाले से शेर कह रहे हैं कि ये काम तमाम उम्र जारी रहेगा क्योंकि मुझे तो मेरे महबूब की याद आती रहेगी और रफू गर इसी तरह से इसे मुरम्मत मेरे गिरेबान को चाक चाक जो मैं कर देता हूँ मुरम्मत करते रहेंगे। स्टूडेंट्स अब इसके हम हवाला जात की तरफ आते हैं। इसके अंदर पहला जो हवाला आएगा वो है वो जो था वो कभी मिला ही नहीं सो गिरेबान को गिरेबान कभी सिला ही नहीं। शेर नंबर दो ये गालिब का शेर है उस चार गिरा कपड़े की किस्मत गालिब जिसकी किस्मत में हो आशिक का गिरेबान होना। जी बच्चों अब हम आएंगे शेर नंबर पाँच की तरफ जिसे जो मक्ता का शेर है मक्ता मतलब जिसके अंदर शायर अपना नाम मतलब तखल्लुस इस्तेमाल करता है और ये गज़ल का आखिरी शेर होता है ना पूछ आलमे बरगश्ता तालई आतिश बरसती आग जो बारह की आरजू करते। आलमे बरगश्ता तालई मतलब बदकिस्मती बदकिस्मती बारह कहते हैं बारिश को आरजू जैसे कि पहले ऊपर बताया जा चुका है कि तमन्ना। इस शेर के अंदर इसका मफहूम देखिए शेर अब खुद से मुखातिब है ए आतिश जिसकी किस्मत नाराज हो मतलब कि जिसकी किस्मत ख़राब हो उसका हाल ना पूछो अगर वो आसमान से बारिश की तमन्ना करे तो आग बरसती है। जी स्टूडेंट्स अब हम इसकी तशरीह की तरफ आते हैं कि इसकी तशरीह किस तरह से हम करेंगे। शेर अपनी इस शेर के अंदर किस्मत का रोना रो रहा है वो कह रहा है कि भाई मैं जो काम भी करता हूँ वो उसका रिजल्ट वो मेरी उम्मीद के बरअक्स ही आता है मैं कुछ भी करूँ मुझे उसका रिजल्ट कोई पॉजिटिव कोई अच्छे मुस्बत अंदाज में नहीं मिलता। जैसे कि हमें पता है जी किस्मत जब इंसान की ख़राब होती है तो वो जो इंसान अगर सोने को भी हाथ लगाए तो वो मिट्टी बन जाती है और जिसकी किस्मत अच्छी होती है वो मिट्टी के ऊपर हाथ लगाए तो वो सोने में तब्दील हो जाती है। स्टूडेंट इसी तरह शेर कह रहा है कि मतलब इंसान मुकद्दर से कभी जीत नहीं सकता इंसान मुकद्दर पर इख्तियार नहीं रखता इंसान का जो मुकद्दर में होता है वो उसको मिलकर ही रहता है। ठीक है तो इसी हवाले से शेर कह रहा है कि आतिश तेरी किस्मत अच्छी नहीं है ठीक है तो एक तेरी किस्मत बदकिस्मती की तरफ जा रही है। ठीक है अगर इस वक्त तू आसमान से बारिश की तमन्ना करेगा तो अपने लिए अच्छे की तमन्ना करेगा तो तुझे बारिश नहीं मिलेगी तुझे आग ही मिलेगी मतलब तेरी किस्मत अच्छी नहीं है तो जो भी करेगा तेरे हक में वो उल्टा ही होगा। अगर तू सर्दी मांगेगा तो तुझे गर्मी मिलेगी अगर तू बहार मांगेगा तो तेरे हाथ खजा आएगी। गर्ज ये हम कह सकते हैं कि शायर कह रहा है कि मेरी किस्मत का आलम यह है कि मैं कुछ भी करूं कुछ भी सीधा करने की कोशिश करूं तो वो खुद ब खुद उल्टा हो जाता है मतलब वो मेरी उसका रिजल्ट मेरी उम्मीद के बरक्स आता है। बच्चे इसके हम अब हवाला जात की तरफ आते हैं। इसके अंदर एक हवाला आएगा मौत मांगूं तो रहे आरजुए ख्वाब मुझे डूबने जाऊं तो दरिया मिले पायाब मुझे। बच्चे ये थी हमारी हैदर अली आतिश की गज़ल नंबर दो जिसकी हमने तशरीह की। तो अब हम इंशाल्लाह मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।